अद्भुत और किसी रामबाण से कम नहीं है ये उपाय। कौन सा है उपाय और कैसे आता है काम? नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सनोटिया एक बेहद ही लाभदायक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी और उपाय के साथ जुड़ चुका हूँ मेरे चैनल स्वस्थ भारत पर। स्वस्थ भारत पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्मरण शक्ति का तेज होना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है जिस व्यक्ति की स्मृति और बुद्धि जितनी तेज होती है, जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावना उस व्यक्ति की उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे वैज्ञानिक और वेद पुराणों के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में लगभग 100 करोड़ स्नायु कोष बताए गए हैं और कहा जाता है कि इन 100 करोड़ स्नायु कोष में से हम मात्र 4-5 करोड़ को ही काम ले पाते हैं। बाकी बचे हुए स्नायु कोष सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। सुप्त अवस्था यानी कि एक तरह से डेड अवस्था, सोए हुए पड़े रहते हैं। इनको आधुनिक विज्ञान में या डॉक्टर्स के द्वारा तो ऐसा कोई उपाय या इलाज अभी तक नहीं बना है, पर हमारे प्राचीन वेद पुराणों में और वेद शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसे उपाय इसके बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें सोए हुए स्नायु कोषों को जगा सकते हैं। सोए हुए स्नायु कोषों को जगा कर हम अपार स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हमारी स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्या है वो उपाय? उन्हीं उपायों में से एक बहुत ही साधारण, प्रभावकारी और अत्यंत ही दुर्लभ लाभकारी उपाय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही साधारण और प्रभावशाली उपाय है वो। ओम शब्द के उच्चारण से हम हमारी स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ब्रह्मांड नायक शब्द है ये। ये 3 भागों में ही काम करता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो नाभि में कंपन होता है, उ के उच्चारण पर छाती में कंपन होता है और माँ के उच्चारण पर गले और मस्तिष्क में प्रभावशाली कंपन करता है। ऐसा कहा गया है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जब इस शब्द का उच्चारण किया जाए तो आ शब्द को जब हम उच्चारित करें, जैसे ओम, तो आ शब्द के उच्चारण के समय हमारा पूरा ध्यान नाभि पर होना चाहिए, ऊ शब्द के समय हमारा ध्यान छाती पर होना चाहिए और माँ शब्द जब उच्चारित हो रहा है उस समय हमारा पूरा ध्यान मस्तिष्क पर होना चाहिए। इस तरह लगातार दिन में 5 बार या उससे अधिक बार 5 मिनट 7 मिनट करके हम हमारी स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल उपाय है और बिना कोई दवाई खाए, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, इस उपाय को, इस प्रयोग को करने से आप अपनी स्मरण शक्ति, आप अपने बच्चों की स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और साथ में इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं वो आपको अपने आप ही नज़र आने लगेंगे। आपके शरीर में कई रोगों से ये छुटकारा आपको दिला सकता है। निवेदन करता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने दी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाई जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।